अनिल अंबानी जी देश से भाग गए, गरीबों का पैसा लेकर भाग गए, छूमंतर हो गए, एक बार फिर सरकार नाकाम हुई। पूरी बात समझने से पहले आपको बता दूं कि ऑन योर डिमांड राजीव दीक्षित की हत्या किसने की, एकता कपूर, बाबा रामदेव या फिर तीसरा और कोई व्यक्ति? पूरा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे ये समझने में मदद कीजिए, क्या आप लोग राजीव दीक्षित जी को जानते हैं, हाँ या ना? ऊपर दिए गए पोल वाले लिंक पर आप क्लिक करके अपना वोट दें, उसी हिसाब से मैं स्क्रिप्टिंग फिर करूंगा। राजीव दीक्षित का हत्यारा कौन, इस पर वीडियो बना रहा हूं। और उससे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक के साथ एक शेयर करना जरूरी है, ताकि थोड़ी और मेहनत करने में मजा आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल INI न्यूज इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी को दबाइए, ताकि जो डालू मैं वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आपने और मैंने मिलकर के टीवी पर देखा है कि गरीब चाहे मर जाए पर हमारी लग्जरी लाइफ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दवा के लोन ले लो और विलफुल डिफॉल्टर बन जाओ, सरकार से तालमेल या तोलमोल करके मिस्टर इंडिया बन जाओ, हमारा देश इसी के लिए बदनाम है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या, बला 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 नाम तो काफी हैं। और यही दोबारा से ना हो, सरकार कुछ करने का प्रयास करे, इतने में पता चले कि अनिल अंबानी और उनके समूह के दो सीनियर एग्जीक्यूटिव देश से बाहर चले जाएं। और इसी से बचने के लिए स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने अनिल अंबानी को विदेश भागने से रोकने के लिए पहले ही कमर कस ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कंपनी का आरोप है कि 550 करोड़ रुपए का जो बकाया, यानी कि अमाउंट का जो पेमेंट नहीं हुआ है कंपनी को, ये 550 करोड़ की अनिल अंबानी के साथ बिजनेस से उनको मिलनी थी ये राशि, और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एरिक्सन ने अपनी वसूली की रकम को 1600 करोड़ रुपए से घटा करके 550 करोड़ रुपए कर दिया था। यह सब कुछ कोर्ट की निगरानी में हुआ। और अनिल अंबानी ने अपनी जो वायदा किया था, उनका जो वायदा था वो था कि 30 सितंबर तक वो अपना वायदा पूरा कर देंगे, यानी कि 550 करोड़ रुपए लौटा देंगे। हालांकि जब जब कंपनी को रुपया नहीं मिला, तब उसने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। अनिल अंबानी पैसा क्यों नहीं दे पाए, उसका भी एक कारण था कि पेमेंट टाइमली क्यों नहीं कर पाए। अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के साथ एक डील करने में सफल हो गए थे, जिसमें स्पेक्ट्रम, टावर और फाइबर की बिक्री से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए आने की संभावना थी। लेकिन टेलीकॉम मंत्रालय ने डील में अपनी टांग अड़ा दी। उसे स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए 2900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांग ली। इसीलिए इस कंपनी का 550 का करोड़ का जो पेमेंट था वो रुक गया था और पेमेंट नहीं कर पाए थे। और ये वही अनिल अंबानी हैं जिनको रफाल डील हाथ में दी गई है। ये दोस्ती हम कभी ना तोड़ेंगे। अमीरों का 16,500 करोड़ का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन दिल्ली आए किसान बात करने आते हैं तो डंडे से उनका स्वागत किया जाता है। वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।